हैदराबाद की प्रियंका रेड्डी जो कि सिर्फ 26 साल की थी अपने घर लौट रही थी स्कूटी से। रास्ते में स्कूटी पंक्चर होने की वजह से वो रुकी और उसने अपनी बहन को इन्फॉर्म किया। थोड़ी ही देर में उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। अगली सुबह एक दीवार के पास उसकी बॉडी पूरी तरह से जली हुई मिली। एक और प्रियंका, देश की एक और बेटी, क्या अश्र किया इन दरिंदों ने, अपने जिस्म की आग मिटा के जिंदा जला दिया। मैं आज एक बात जरूर कहूंगा, मेरा अब इंसान की जात पर सही विश्वास उठता जा रहा है। साले दरिंदे इंसान कहलाने लायक है? ये गंदी नाली के कीड़े हैं ये। एक जानवर में भी इनसे ज्यादा रहम होता है। किसी इंसान को जिंदा जला देना, अरे किसी की बेटी है वो, किसी की माँ हो सकती है, किसी की पत्नी तो किसी की बहन। जब तक ऐसे दरिंदों के लिए जिस्म को चीर के उनकी जान बाहर निकालने की सजा नहीं आ जाएगी, तब तक ये बंद नहीं होगा। क्यों अरब देशों में फटी है लोगों की एक लड़की को आंख उठा के देखने पर भी? क्योंकि ऐसे लोगों को पकड़ के या तो बीच चौराहे गोलियों से छली कर दिया जाता है या सर कलम कर दिया जाता है। और यहाँ अपने महान देश में सालों केस चलता है और आखिर में या